हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज लाई हूँ ब्रेड पकौड़ा स्टिक्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है, जिसे मैं बनाऊँगी बिल्कुल अलग तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक है, ग्रेटेड अदरक है, और 1 टीस्पून हरी मिर्च है, यानी कि मैंने 2 हरी मिर्चों को काट लिया था बारीक। हल्का सा भून लेंगे इन्हें। 1 पिंच हल्दी डाल दिया मैंने, और ये 1 टीस्पून ही धनिया है, जो कि मोटा मोटा कुटा हुआ है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है इसे मैंने। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये आलू, ये 2 उबले हुए आलू लिए थे मैंने, जिनको कि ग्रेट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे इसे और थोड़ा सा इसे भून लेना है। थोड़ी देर मैंने इसे भून लिया है आलूओं को, और अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे एक बार इसे, और अब गैस को ऑफ कर दूंगी मैं, क्योंकि आलू अच्छे तरीके से भुन गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस अब गैस को ऑफ करूंगी। और अब यहाँ डाल देंगे चाट मसाला। तो आपके पास अगर चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही चाट मसाला मैंने डाला है। और अब डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर दूंगी। और अब हमें फिलिंग को ठंडा कर लेना है, तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी कि थोड़ी देर ठंडा हो जाए। और अब एक घोल तैयार कर लेंगे, तो जिसके लिए मैंने ले लिया है एक बोल। इसमें डाल लूंगी 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ मैं। इसे काफ़ी अच्छा क्रिस्पी सा बनेगा। थोड़ा सा बिल्कुल 1 से 2 पिंच नमक ऐड करूँगी, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मिक्स कर लेंगे इन्हें, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। और ये घोल मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का घोल होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कुछ ब्रेड स्लाइस, तो सबसे पहले इनके ऊपर थोड़ा सा सॉस अप्लाई करेंगे। और अब जो फिलिंग हमने तैयार की थी, वो उसको इसके ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा मोटी ही लेयर रखनी है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है ब्रेड के ऊपर, और अब इनको कट कर लेंगे। तो इनको मैं 3 पीस में कट करूँगी, यानी कि स्टिक्स इसके हमें बना लेने हैं। तो इस तरीके से इनको स्टिक्स में काट लेंगे। और अब ये ले लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स, और ये हमारा घोल। तो इसमें घोल में डिप करेंगे इसे फिंगर्स को, और अब ब्रेड क्रम्स में इसके ऊपर से अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स को कोट कर देंगे, और एक बार फिर से डिप करेंगे ताकि अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से सारे ब्रेड को हम कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से चारों तरफ से, और कोट करके हम रखते जाएंगे। और सारे स्टिक्स को मैंने ऐसे कोट करके रख लिया है, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें स्टिक्स डाल देंगे हम। बहुत तेज़ गरम ऑयल नहीं चाहिए, बस मीडियम हॉट ऑयल ही चाहिए हमें। एक एक करके स्टिक्स को डाल देंगे, मीडियम हीट पर ही इसे पलट पलट के अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से देखें, ये हमारे ब्रेड पकौड़े अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से इनको अच्छा सा कलर आ गया है, और काफ़ी अच्छे क्रिस्पी से दिख रहे हैं ये। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरीके से ब्रेड पकौड़े, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारे सुपर टेस्टी क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े रेडी हैं, इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।